यार ये BTC का वन डे का चार्ट है और इसमें हम पढ़ रहे हैं इंगल्फिंग पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, इंगल्फिंग पैटर्न है ना यार, वो एक मेजर रिवर्सिबल पैटर्न है। अगर आपको इंगल्फिंग पैटर्न शो हो रहे हैं मार्केट में तो इसका मतलब है कि जो पीरियड, जो भी ट्रेंड है मार्केट का, वो चेंज होने वाला है। सेकेंड, जो इंगल्फिंग पैटर्न है वो एक मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जैसे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं डोजी वगैरह, तो ये एक मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें हम दो कैंडल को लेकर चलते हैं। अब यार इंगल्फिंग पैटर्न वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न और एक सेकंड वन होता है बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, तो जो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है ना, हम वो तब काउंट करेंगे जब मार्केट की रैली डाउनवर्ड हो। ठीक है, मार्केट नीचे जा रहा हो, ठीक है, और फिर हमें बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न मिला तो उसके बाद में क्या होता है कि मार्केट है वो अप जाता है। इसी तरह इसके अपोजिट, अगर मार्केट का ट्रेंड है वो अपवर्ड है और हमें बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न मिला तो उसके बाद में मार्केट कहाँ जाता है, नीचे जाता है। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न होगा ना, जैसे कि ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, इसमें क्या होगा, पहले जो कैंडल बनेगी वो रेड बनेगी, ठीक है, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है, ये ग्रीन बनेगी, ये रेड बनेगी। जबकि जो बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न होगा उसमें पहले वाली कैंडल बनेगी वो ग्रीन बनेगी और उसके बाद में जो कैंडल बनेगी वो बनेगी रेड। ठीक है, जो इसको पूरा कवर कर लेगी। अब यार इनमें क्या शो हो रहा है आपको, जो ये कैंडल मैंने बनाई है, ठीक है, इस पैटर्न में क्या शो हुआ कि जो ये बड़ी वाली कैंडल थी, ठीक है, इसने इसको पूरा कवर कर लिया, मतलब इसको, इसकी विक भी कवर कर ली और इसकी बॉडी भी कवर कर ली। जबकि जो ये वाला पैटर्न है, इसमें क्या हुआ कि जो बॉडी थी वो तो कवर कर ली पर विक है वो बाहर रह गई थोड़ी बहुत। ठीक है, तो इंगल्फिंग पैटर्न्स में क्या होता है कि हम विक को काउंट ही नहीं करते, मुद्दा सिर्फ यहाँ पे एक है कि हम जो पीरियर जो कैंडल है उसकी बॉडी सेकंड जो पैटर्न जो कैंडल बनेगा वो पूरा कवर कर ले, बस। अब यार बुलिश और बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनने से पहले हमें क्या देखना है ना, वो देखना है और फिर कैसे हम उनको देखेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अब जैसे ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, इससे पहले जब भी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनेगा तो एक मार्केट का ट्रेंड है वो डाउनवर्ड होना चाहिए, जब बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनेगा तब मार्केट का ट्रेंड है ना वो अपवर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये दोनों पैटर्न मैंने मार्क कर रखे हैं चार्ट में, ठीक है, तो ये दोनों पैटर्न हम अब जो रिस्क लेते हैं ट्रेंड में, ज़्यादा ट्रेड में रिस्क लेते हैं, वो इनको भी काउंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर जो ट्रेडर कुछ ऐसा भी पार्ट है ट्रेडिंग में कि जो ट्रेडर ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट के रूल ज़्यादा फॉलो करते हैं या उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वो इन दोनों पैटर्न को छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे कि ये वाला पैटर्न है, ठीक है, ये है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, कैसे कि इसमें जो पहले वाली जो छोटी छोटी कैंडल है वो रेड है, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी जिसने उसकी बॉडी को अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, अब जैसे यार ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, इसमें क्या हुआ, ठीक है, पहले वाली कैंडल है वो रेड बनी, उसके बाद में क्या बनी, ग्रीन कैंडल बन गई है बड़े वाली। ठीक है, अब हम कैसे एंट्री लेंगे इसमें, मैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मेनली जो बुलिश और बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न है वो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह देखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये इसका सपोर्ट हो गया, ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मार्केट डाउनवर्ड था, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, तो हम क्या करेंगे, जो इस कैंडल का टॉप है ना, मतलब हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे इसके टॉप पे। ठीक है, तो और वो आप टारगेट खुद से सेट कर सकते हो, फिर कितना भी टारगेट रख सकते हो। ठीक है, 5-10% वो आपके ऊपर है। फिर क्या हुआ, अब जैसे इसी में कैसे हुआ कि मार्केट का ट्रेंड, पीरियड ट्रेंड था वो अपवर्ड था, बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, पहले ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में एक बड़ी बॉडी की रेड कैंडल बनी, तो इसका जो लो था कैंडल का, हम उसके नीचे एंटर ले लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे एंट्री ली और ये आपको डाउनवर्ड मार्केट दिखी फिर उसके बाद में, तो इसमें हम एंट्री इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला पैटर्न था, इसमें हम अगर ये पैटर्न बना पर हम एंट्री क्यों नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब जैसे ये हमारी ये इन इसका रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, तो अगर हम यहाँ पे एंटर लेंगे तो इसका रिस्क देखिए आप कितना बड़ा है। ठीक है, तो मतलब हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड का जो भी हमारे रूल है वो हम फॉलो नहीं कर रहे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, जबकि ये यहाँ पे अगर आप देखते हैं बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न, तो क्या था, जो हमारा लो, इसका जो हाई था, ठीक है,
वो ज़्यादा दूर नहीं था, ठीक है, जबकि हमारी एंट्री यहाँ पे बन रही है। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, ठीक है, तो एक अच्छा हमें प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है, हम अगर शॉर्ट में ट्रेड करें तो, ठीक है। तो ये ऐसे होता है यार पुलिस और बियरिस इंगल्फिन पैटर्न्स, ठीक है। अब यार जैसे ये दोनों पैटर्न थे, ठीक है, ये मैंने क्यों नहीं काउंट किए, मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये था, ये वाला पैटर्न लेते हैं हम, ठीक है, इसमें एक स्मॉल रेड कैंडल बनी, उसके बाद में एक ग्रीन बनी, तो मतलब पैटर्न कौन सा हुआ हमारा, पुलिस इंगल्फिंग पैटर्न हुआ, ठीक है। पर मुद्दा क्या है यहाँ पे, जो मार्केट का ट्रेंड है ना, वो कोई भी नहीं है, मार्केट यहाँ पे ट्रेंड कर ही नहीं रही यार। तो हम अगर पहले हम अगर मार्केट हमारी ट्रेंड में है ही नहीं, तो हम उसको काउंट करेंगे ही नहीं अगर इंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। फिर जैसे कि क्या हुआ, अब जैसे ये वाला पैटर्न था, इसमें क्या हुआ, मार्केट ट्रेंड में थी तो हमारा पैटर्न, तो और पैटर्न का क्या बना, पहले रेड कैंडल बनी उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनी, मतलब हमारा पैटर्न भी सही है और मार्केट ट्रेंड में भी है। तो फिर क्या हुआ कि हमने मैंने क्यों नहीं काउंट किए, तो अब क्या हुआ कि हमने इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाए, ठीक है, ये जो इस वाली कैंडल का हाई था और ये इन दोनों का लो था, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने हाई तोड़ा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, इसने जाके हाई यहाँ पे तोड़ा है कहीं, ठीक है। तो इसने अगर लो तोड़ा तो हम उसको लेंगे ही नहीं यार, ठीक है, क्योंकि अब ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, हमें अब मार्केट ऊपर जानी चाहिए थी, ठीक है, तो मार्केट गई नहीं ऊपर, मार्केट ने फिर लो तोड़ दिया, तो हम लेंगे ही नहीं। अब कुछ ट्रेडर ऐसे भी होते हैं कि जैसे कि मार्केट ऊपर गई नहीं और ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न भी बना, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो बुल्स थे वो बेयरिश के ऊपर नहीं आ सके, ठीक है, तो और मार्केट ट्रेंड लो नीचे भी जा रही है, तो वो अब यहाँ पे इसका लो तोड़ने के बाद में शॉर्ट में एंट्री ले लेंगे, ठीक है, तो उनको एक अच्छा छोटा प्रॉफिट मिल सकता था यहाँ पे, ठीक। यार ये पैटर्न है, ये चार्ट पे लगा के देखोगे तो आपको खुद से आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को क्या करना है। पर जब भी आपको चार्ट में बुलिश इंगल्फिंग या बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप एक सोच सकते हो एंट्री के लिए या एग्जिट के लिए भी, ठीक है, मैं वो आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्या करते हैं, ठीक है।